ये भूरिया बाबा का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये गुप्तेश्वर महादेव का स्थान है और शहर की तमाम भाग दौड़ से दूर इस स्थान की सुंदरता, इस स्थान का जो विहंगम नज़ारा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये पूरी बहुत एकांत में या यूं कहें कि तमाम बस्ती से दूर इस मंदिर के आज हम दर्शन करेंगे और इस मंदिर की दो बातें बहुत प्रमुख हैं। एक यहाँ भूरिया बाबा का चमत्कार है, यहाँ भूरिया बाबा का एक नीचे स्थान है, यहाँ परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री महादेव गिरी जी विराजते हैं, महादेव गिरी जी यहाँ तप करते हैं और यहाँ की दो जो बातें हैं, एक नीचे स्थान है, एक ऊपर गुफा में है। उस गुफा को हम अंदर से दिखाना हमारे लिए परमिशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा में गुप्तेश्वर महादेव विराजते हैं। उसके हम नीचे के इस विहंगम नज़ारे को देखते हैं। ये भूरिया बाबा का स्थान है, मंदिर है और भूरिया बाबा का ये एक तरह से यहाँ जोत जलती रहती है और ख़ास तौर से शिवरात्रि के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ रहती है, जो श्रद्धालु आते हैं वो पूरी भाव से आते हैं और भाव से आके और तमाम तमाम जय जय महादेव, ये यहाँ जय महादेव की धुन सुनाई दे रही है और लगातार सुनाई दे रही है। आज हम यहाँ देख रहे हैं, रात को बहुत बड़ा उत्सव होगा यहाँ पर, हम महादेव गिरी जी के भी दर्शन करेंगे, दत्त भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ एक तरफ प्रसादी चल रही है, जिनके उपवास हैं उनके उपवास चल रहे हैं और तमाम मैं महादेव गिरी जी को वंदन करता हूँ। और आज हमारे एक और सौभाग्य की बात है कि बावसी के साथ में कुछ हस्तियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पे, उनके भी हम शुभ दर्शन करें। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी नरुगा साहब, चूँकि नरुगा सिरोही में एक ही है लेकिन दूसरे नरुगा साहब के भी आज हमको दर्शन हुए हैं और आदरणीय मित्तल साहब जो यहीं थे। और बावसी के तो यहाँ पे बहुत कृपा है, यहाँ भूरिया बाबा की ऊपर गुफा है, धुनी है और यहाँ भगवान दत्त भगवान का भी यहाँ मंदिर के हम दर्शन करवाएंगे, लेकिन यहाँ भक्तों की बड़ी श्रद्धा है। आज पूरी रात भर यहाँ सत्संग होगा और मेरी इच्छा है कि मैं अंदर दत्त भगवान के भी एक बार दर्शन करवा दूँ, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल 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 नहीं बिल्कुल बावसी, आज तो सच में आज का दिन तो बहुत खास है कि हम ये जंगल में मंगल हो रहा है। ये ऐसा स्थान है, बहुत चैतन्य और चमत्कार स्थान, यहाँ जो भी कोई आश लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से है। मैं भी आता हूँ बहुत श्रद्धा से और यहाँ दत्त भगवान के भी हम आज दर्शन करें और ये संपूर्ण यहाँ की जो यहाँ साधना मुख्य रूप से महादेव गिरी जी हैं, परम पूज्य संत जो बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत बड़े संत हैं। हम यहाँ आज पूरे दिन भंडारा चलेगा, आज चूँकि महाशिवरात्रि है और रात को जो सत्संग होगा इस गुफा में भी सत्संग होगा। वापसी आज हम एक बार हम कोई आशीर्वाद के रूप में आप कुछ कहना चाहें तो वापसी, बाकी यहाँ सब बिल्कुल 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 वापसी, बस सब महादेव की कृपा है, महादेव जी की कृपा बनाए रहे, बस वापसी बस यही भक्तों की इच्छा रहती है जो बहुत दूर बैठे हैं और जिनको इस देव भूमि से प्रेम है वो इन वीडियोस के माध्यम से जरूर देव दर्शन करते हैं। और हमने भी ये अभियान सिर्फ आपकी परमिशन से इसलिए शुरू किया है कि हम इन देव दर्शन करवा सकें और आज खुशी इस बात की भी है, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि एडी जी साहब पधारे, मित्तल साहब पधारे हैं जो कि हमारे वापसी के अनन्य भक्त हैं, भले ही ये कितनी भी दूर चले जाएंगे लेकिन मित्तल साहब दूर नहीं जा सकते। रुका साहब को भी मैं पुनः नमन करता हूँ और एक बार सभी वो जय बोलेंगे भूरिया बाबा की, बोलो भूरिया बाबा की जय, जय अभुराज की जय और की जय और आज के आनंद की जय। और आज हम सबको आशीर्वाद मिला है यहाँ से, इस भूरिया बाबा की कृपा भी मिल रही है और इसी के साथ इस यात्रा को आज यहाँ विराम देते हैं। ऊपर बहुत बड़ी गुफा है जहाँ हमने दर्शन जरूर किए हैं और आज इसी के साथ मैं इस
संपूर्ण विहंगम नजारे को आज हम दिखा रहे हैं। यहाँ रात को भजन होगा, बहुत अच्छा भजन होगा और उसके बाद हम सबको आनंद आएगा। जय।